बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। क्लास हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 5.2 मैथमेटिकल मेथड से। तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है और ओबियसली नेक्स्ट वाले पार्ट्स भी कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 6 पार्ट हैं। एक्स टू थ्री फोर, एक्स स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर फोर स्क्वायर। नेक्स्ट इज एक्स क्यूब टू क्यूब थ्री क्यूब एंड फोर क्यूब। क्लास हम इस 1 का यूज़ करते हुए बाकी वाले तमाम 1 को 0 बनाएंगे रो ऑपरेशंस का यूज़ करते हुए। सो सबसे पहले ये हमारे पास रो ऑपरेशन आ जाएगा R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, R4 माइनस R1। अब ये स्टेप्स हम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो हमारी एज इट नीचे आ जाएगी और उसके बाद यहाँ पर 0, ये आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस एक्स और यहाँ पर आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 क्यूब माइनस एक्स क्यूब, 3 माइनस एक्स, 3 स्क्वायर क्यूब और यहाँ पर आ जाएगा 4। और ये इक्वल टू 0। क्लास अब हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे बाय C1, तो ये फर्स्ट रो भी कैंसिल हो जाएगी, ये फर्स्ट कॉलम भी कैंसिल हो जाएगा। बाकी वाला जो डाटा है यहाँ से ये कंप्लीट, ये हम नीचे लिखेंगे और साथ ही हम यहाँ पर इनके फार्मूलाज भी अप्लाई कर देंगे। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन रहा है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला बन रहा है। सो इनके फार्मूलाज भी हम साथ ही ओपन कर देंगे एक्सपेंडिंग बाय C1। सो ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स, 3 माइनस और ये 4 माइनस, ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स। और ये आ जाएगा 4 प्लस एक्स। नेक्स्ट यहाँ पे फार्मूला हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस एक्स इंटू 2 स्क्वायर जो कि 4 आ जाएगा, उसके बाद 2 एक्स और उसके बाद एक्स स्क्वायर। सेम केस में यहाँ भी हम फार्मूला ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा प्लस 3 एक्स और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। 4 माइनस एक्स 16 प्लस 4 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और ये अब लास्ट पिन का डिटर्मिनेंट क्लोज और इक्वल टू 0 भी। क्लास नोट करें, फर्स्ट रो में से 2 माइनस एक्स कॉमन है, सेकंड से 3 माइनस एक्स कॉमन और थर्ड रो से हमारे पास 4 माइनस एक्स कॉमन आ रहा है। सो ये कंप्लीट तीनों चीज़ें हम कॉमन लेंगे। यहाँ पे आप इनवर्स लिख लें कि वी आर टेकिंग 2 माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम R1, 3 माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम R2, इसी तरह से बाकी भी डिटेल। सो हमारे फैक्टर्स आ जाएंगे बाहर 2 माइनस, 3 माइनस एंड 4 माइनस, 1 1 1 यहाँ पर आ गया, 2 प्लस एक्स, 3 प्लस और ये 4 प्लस एक्स, 4 प्लस 2 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 9 3 एक्स एक्स स्क्वायर, 16 4 एक्स एक्स स्क्वायर और ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। क्लास बॉस साइड पे हम इसको कंपेयर करवाएं तो ये तीनों फैक्टर इक्वल टू 0 हैं। सो यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट 1, 2, 3 वैल्यूज़ आ रही हैं। हम इसको भी फर्दर भी सॉल्व करेंगे ताकि मज़ीद भी रिजल्ट्स आ जाएं। सो इस 1 का यूज़ करते हुए बाकी वाले रिजल्ट्स को भी अगेन 0 बनाएंगे। वी आर डूइंग R2 माइनस R1, R3 माइनस R1।
ये तीनों ब्रैकेट इसी तरह से फर्स्ट टू की सेकंड थ्री की आप काइंडली पूरी लिखिएगा, मैं ज़रा डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट रो एज इट, वन टू प्लस एक्स, फोर प्लस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और ये भी ज़ीरो हो गया। जब इन दोनों को माइनस करवाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ओनली वन, और नेक्स्ट हम इन दोनों को माइनस करवाएंगे, नाइन में से फोर माइनस कर दें फाइव, उसके बाद प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल, यानी फाइव प्लस एक्स आ जाएगा। ये मैंने लिखा यहाँ पे फाइव प्लस एक्स, नेक्स्ट करेंगे तो ज़ीरो और यहाँ पर आ जाएगा टू, और इन्हें माइनस करें तो सिक्सटीन में से फोर माइनस करें ट्वेल्व, प्लस टू एक्स और एक्स स्क्वायर कैंसिल, यानी ट्वेल्व प्लस टू एक्स, ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो। अब इसे भी एक्सपेंड करेंगे बाय सी वन, ये फर्स्ट ब्रैकेट, ये थर्ड वाली, और ये आ गया हमारे पास तीनों सिंपल रिजल्ट। अब ये डिटर्मिनेंट हमारे पास कैंसिल और ये फोर वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी नीचे। सो हमने लिखा वन टू फाइव प्लस एक्स, ट्वेल्व प्लस टू एक्स, इसे एक्सपेंड कर लें। अब मैं तमाम जितने भी मेरे पास फैक्टर थे उन्हें डायरेक्ट उनकी एक्चुअल फॉर्म में लिख रही हूँ, आप काइंडली पूरी एक्चुअल फॉर्म ही ऊपर से नीचे तक लेकर आइएगा। ये आ जाएगा ट्वेल्व प्लस टू एक्स माइनस टेन माइनस टू एक्स, टू एक्स टू एक्स से कैंसिल, और ये आ जाएगा यहाँ से जस्ट टू। टू एक कांस्टेंट नंबर है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा तो ओबियसली ज़ीरो ज़ीरो ही वापस बना देगा दूसरी साइड पे। या अगर ज़ीरो ओवर टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो, आप कंपेयर करें तमाम फैक्टर्स को तो ये इक्वल टू ज़ीरो, और ये आ गया हमारे पास एक्स इज़ इक्वल टू टू थ्री, और ये आ गया हमारे पास फोर। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, डिटर्मिनेंट ज़रा बड़ा आ गया, ये हमारे पास फाइव बाय फाइव ऑर्डर का है, वन टू थ्री फोर फाइव। एक्स प्लस वन हो या वन प्लस एक्स, बात एक ही है, हम इसकी तरतीब ठीक कर लेते हैं। एक्स प्लस वन, और लास्ट पे फाइव, और डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो। क्लास सबसे पहला काम हम ये करेंगे, इस वन का यूज़ करते हुए बाकी तमाम रिजल्ट्स को ज़ीरो बनाएंगे, यानी फर्स्ट रो को ऑब्वियसली हमें कॉरस्पॉन्डिंग रोज से माइनस करवाना पड़ेगा। टोटल फाइव रोज़ हैं इसलिए हमें आर फाइव तक जाना होगा। फर्स्ट रो को आप एज इट लिख दें, वन टू थ्री फोर फाइव, ये फर्स्ट रो मैंने ऐसे ही लिख ली। यहाँ पर ज़ीरो, इस जगह पे हमारे पास वन प्लस एक्स था, अब माइनस टू करेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वन, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, टू माइनस टू भी ज़ीरो। इस जगह पर हमारे पास है एक्स प्लस वन, जब माइनस थ्री करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स माइनस टू, बाकी ज़ीरो। ज़ीरो क्यों हो रहे हैं, जब ये फोर यहाँ से माइनस होता जाएगा तो ज़ीरो आता जाएगा। और ये देखें फर्स्ट प्लेस पे यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू है, यहाँ से ये, अब ओबियसली यहाँ पर एक्स प्लस वन आएगा जिसे अब हम सॉल्व करेंगे। एक्स प्लस वन माइनस फोर हुआ तो ये आंसर आएगा एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर। अब इसे एक्सपेंड करें बाय सी वन तो ये रो कॉलम कैंसिल हो जाएगा, बाकी सारा डाटा नीचे ले जाएं।
यहाँ पे एक दफ़ा लिख लें एक्सपेंडिंग बाय सी वन, ये इक्वल टू ज़ीरो। क्लास ये हमारे पास एक डायगनल डिटर्मिनेंट आ रहा है, इसके तमाम ये डायगनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन ही इसका डिटर्मिनेंट है। सो इसके तमाम यही फैक्टर्स हम मल्टीप्लिकेशन में लिख लेंगे क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट भी यही आएगा बिकॉज ऑल अदर एलिमेंट्स आर ज़ीरो। सो फैक्टर्स को सेपरेट करते हुए वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमारे पास आ जाएगा 1, 2, 3, 4। सो एक्स इज इक्वल टू 1, 2, 3 और 4, दैट्स द आंसर। फिफ्थ पार्ट देखें, फिफ्थ में हमारे पास है एक्स ए ए और ये 4 times a हमारे पास। अब डायगनल में x है, बाकी तमाम एलिमेंट्स a हैं। क्लास इसमें हमारे पास टोटल जो हैं a वो 4 आ रहे हैं। सो हम तमाम कॉलम्स को अगर प्लस करें तो हमारे पास सेम फैक्टर आ जाएगा। सो हम लिखेंगे यहाँ पे C1 plus C2 3 4 and 5, जिससे हमारे पास जो स्टार्टिंग पे डिटर्मिनेंट का फर्स्ट कॉलम है वो बन जाएगा X plus 4a, ये भी हमारे पास 5 by 5 ऑर्डर का ही डिटर्मिनेंट है। सो ये 5 times हमारे पास यही आंसर आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाएगा a, एक्स्ट a, बाकी भी कवर कर लें ज़रा। राइट, एक्स प्लस 4a कॉमन ले लें, टेकिंग एक्स प्लस 4a कॉमन फ्रॉम C1, इसकी जगह पर रह जाएगा 1, 4 और ये फिफ्थ वाला 1। इक्वल टू ज़ीरो। क्लास अब इस फर्स्ट वाले 1 का यूज़ करते हुए बाकी तमाम को 0 बना दें। R3 minus R1, R4 minus R1 and R5 minus R1, X plus 4a 1a 0, नेक्स्ट आ जाएगा X minus a, a minus a 0 और ये सब 0, यहाँ भी 0, ये आ जाएगा X minus a। ये डायगनल में आता जा रहा है X minus a। इक्वल टू 0। अब इसको एक्सपेंड करेंगे अगेन फर्स्ट कॉलम से क्योंकि उसमें ज़ीरोज़ हैं। सो ये वाला डाटा हमारे पास बाकी बच जाएगा। एक्सपेंडिंग बाय C1 वी गेट अब 2 zeros हो जाएंगे और फिर x माइनस ए है, इसके बाद 3 zeros और x माइनस ए।
ये भी हमारे पास डायगनल ही डिटर्मिनेंट है, सो डायगनल के तमाम एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवा दें, तमाम एलिमेंट्स x माइनस ए है, सो x माइनस ए की पावर 4 आ जाएगी। अब इसके फैक्टर्स को सेपरेट करें तो हमारे पास इजीली इसका रिज़ल्ट आएगा x इज़ इक्वल टू माइनस फोर ए, और यहाँ से आ जाएगा x इज़ इक्वल टू ए 4 टाइम्स। सो तमाम वैल्यूज़ को सेपरेट कर दें, दैट्स द सॉल्यूशन ऑफ फिफ्थ पार्ट। ओके क्लास, ये था सेपरेट से एक लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआ में याद रखिएगा।